झारखंड में मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान सरकार कुछ अहम विधेयक ला सकती है और कई मुद्दों पर विचार कर सकती है। वहीं झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पंकज मिश्रा तो पूजा सिंगल को लेकर ही बना हुआ है, तो इस मामले में कई लोगों को धीरे धीरे मामले में नाम खुलते ही नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर हेमंत सोरेन का नाम भी लिया जा सकता है और इस कड़ी में उनसे पूछताछ भी की जा सकती है। बता दें कि इन घोटालों को लेकर रोजाना कई राज खुलते ही जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में हेमंत अभी तक उनका मुंह नहीं खुला है। उन्होंने इस मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई करने को या मामले की छानबीन को नहीं देखना चाहा। ऐसे में सीएम पर गहरे सवाल उठ सकते हैं कि उन्होंने इस मामले में अब तक क्यों कुछ नहीं कहा है। वहीं ऐसे में बंगाल को देखा जाए तो टीएमसी पार्टी के पार्थ चटर्जी का नाम जब से घोटाले में सामने आया है तब से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार पता चला है कि पार्थ चटर्जी को टीएमसी पार्टी से ममता यानी दीदी ने निलंबित कर दिया है। एक और देखे तो अभी इनका मामला इतना खिंचा भी नहीं था कि पार्टी ने इन्हें निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पंकज मिश्रा को देखा जाए तो पार्टी ने ना ही उन्हें अभी तक निकाला है और ना ही उनके मामले को लेकर कोई भी दलील दी गई है सरकार की तरफ से। वहीं ममता ने अपने नेता यानी पार्थ के लिए बचाव में तो उन्होंने बयान भी दिए हैं, साथ ही विपक्ष ने भी गहरे घेराव किया था। लेकिन अगर इस जगह हेमंत की तरफ से पंकज मिश्रा को देखा जाए तो विपक्ष ने इनके खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाया, ना ही कोई तंज, ना ही कोई बयान, ना ही कुछ और। वहीं ऐसा मानो लग रहा है कि हेमंत जो है वो इनका साथ दे रही हो। वहीं इतने खुलासे हो गए पर मजाल है कि ये इनके मामले में हेमंत ने अभी तक कुछ बोला हो। वहीं देखा जाए कि हेमंत को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। खैर ये सब तो वक्त ही बताएगा कि हेमंत ने हाथ मिलाया है या नहीं। वहीं आप क्या कहेंगे इस मसले को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।